जल भराव की समस्या से नहीं पहुंच पा रहे बच्चे पाठशाला। ब्लॉक मुंडा पांडे के अधिकारियों की लापरवाही, विकास के सारे दावे फेल। ग्राम पंचायत दलपतपुर जनपद मुरादाबाद ब्लॉक मुन्ना पांडे में ब्लॉक अधिकारियों की लापरवाही का मामला फिर सामने आया है। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में हो रही बरसात ने उत्तर प्रदेश सरकार के विकास कार्यों की पोल खोल कर रख दी है। आपको बताते चले कि दलपतपुर पूर्व माध्यमिक विद्यालय में चारों तरफ जलभराव की समस्या 10 सालों से उत्पन्न है, जिससे थोड़ी सी बरसात से ही रास्तों में पानी भर जाने के कारण बच्चे पहले तो स्कूल पहुंच ही नहीं पाते और अगर स्कूल पहुंच भी जाते तो समय से नहीं आ पाते। रास्तों में जलभराव की समस्या से अधिकतर बच्चे गिरकर चोटिल भी हो जाते हैं। कई बार रास्ते को लेकर के ग्रामीणों ने कई बार अधिकारियों से शिकायत की, मगर स्कूल के रास्तों को सही नहीं कराया गया और अब ग्रामीणों ने मीडिया के सामने अपना दर्द बयान किया और कहा कि स्कूल के रास्तों को या पक्का कराया जाए, नहीं तो हम इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से करेंगे। अब देखना यह है कि स्कूल के रास्तों को सही कराया जाएगा या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जिस राज्य में स्कूलों की स्थिति इस प्रकार खराब हो, वह पूरे राज्य में क्या विकास करा पाएंगे? एक तरफ तो उत्तर प्रदेश सरकार विकास कार्यों के लिए बड़े बड़े दावे कर रही है, दूसरी तरफ ब्लॉक अधिकारी एवं पीडब्ल्यूडी सरकार की आंखों में धूल झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। कहाँ रहते हो? दलपतपुर। पढ़ाई कहाँ करते हो? इस स्कूल में। तो इस स्कूल में जाने में आपको क्या क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी है? हम पानी में और भीग जाम है। तो जब पानी भरा हुआ होता है स्कूल जाते हो आप? जी। कैसे जाते हो? गिर जामे हैं, भीग जामे हैं। अच्छा, ओ क्या नाम है आपका? शहादत अली, ग्राम दलपतपुर में रहने वाला हूँ। ब्लॉक कौन सी पड़ती है? ब्लॉक मुंडा पांडे। क्या ब्लॉक दलपतपुर थाना मुंडा पांडे। क्या समस्या है जो आप मीडिया के सामने आए? ये पानी भरा हुआ है, रास्ते इधर से भी खराब है, इधर से भी। स्कूल में बच्चे आते तो वो भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, उन्हें भी इस चीज़ पर चढ़ के जाते हैं। कभी इधर को घर में हमारे घूम के इधर को दीवारें टूट गई हैं, देखो इधर सामने, इधर को निकल कर जाते हैं। प्रधान के द्वारा शिकायत ले गए थे तो उन्होंने बोल दिया अभी नहीं पड़ेगा, धान का टाइम पड़ेगा। मैं 2 साल सऊदी में भी रहा, तब भी रास्ता सही नहीं हुआ है। कितने समय से है ये रास्ता? ये लगभग 5 साल से तो मेरा घर है इधर। अच्छा, 5 साल से ऐसा ही है, कोई भी रंग बदलाव नहीं हुआ इधर। तो क्या चाहते हैं फिर? क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कोई विधायक हो या गाँव के प्रधान, मौजूदा जो प्रधान है वो सही कराए इस रास्ते को। अच्छा अच्छा, बच्चों को क्या क्या दिक्कत आ रही है? बच्चों को यही दिक्कत आती है, हम स्कूल को आते हैं तो वो इधर गारे में गिर जाते हैं और रास्ता खराब है। ओके, नाम है आपका? परवीन जहां। कहां की रहने वाली है? ब्लॉक कौन सी पड़ती है? ब्लॉक यही लगा है दलपतपुर का। अच्छा, ये बतलाइए क्या समस्या है यहां पर? समस्या ये है, गारा है, गारे में चले हैं, पानी बढ़ जाए है, निकलने का रास्ता ना है, कोई भराव ना डाल रहे ना बिछड़िया कह रहे हैं। तो ये कौन सा रास्ता है? ये रास्ता है का ये स्कूल का। अच्छा, तो जब स्कूल वगैरह के बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं उन्हें क्या क्या दिक्कतें पड़ती हैं? तो वो तो चढ़ चढ़ कर जाना है, इस पर हमारे प्लॉट पर गुजाम है, इस प्लॉट पर गुजाम है, चढ़ चढ़ कर कभी हमारे घर में इधर को निकल लिए, कल काम है पानी में बड़ बड़ काम है। कितने समय से है ये खराब रास्ता? ये तो समय से है ही, जब से हम आए 5 साल हो गए, 5-6 साल हो गए। तो क्या चाहते हैं यहाँ के लोग? अब यही चाह रहे हैं भराव पड़ा है, चोखा बिछे, कुछ तो होवे, खरंजा बिछे, डामर बिछे, कुछ तो होवे। ओके,